छतरपुर के महोवा रोड स्थित डिपो कॉलोनी के रहवासियों ने विद्युत व्यवस्था से परेशान होकर गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात छतरपुर महोवा मुख्य मार्ग NH पर जाम लगा दिया। रहवासियों का आरोप था कि वे पिछले 3 महीने से विद्युत विभाग की अव्यवस्थाओं से परेशान हैं। मोहल्ले में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है और लगातार लाइट बिगड़ती रहती है। उनके द्वारा स्थानीय अधिकारियों से लेकर विद्युत विभाग के आला अधिकारियों तक मौखिक और लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो सका है। वार्डवासियों का कहना है कि विद्युत लाइन में मेंटेनेंस कार्य नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से लगातार लाइट खराब होती रहती है। स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि हमारे पास सामान नहीं है जिससे हम लाइन को दुरुस्त कर सकें। विद्युत कर्मी इसी वजह से हर बार लाइट खराब होने पर औपचारिकता करके चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद फिर लाइट चली जाती है। बिजली की आंख मिचौली से परेशान रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी बात की और रहवासियों को समझाया। फिलहाल विद्युत विभाग के आश्वासन और पुलिस की समझाइश के बाद रहवासियों ने जाम खोला। साथ ही उनका कहना था कि अगर जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन करना होगा। आपको बता दें कि लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान हैं, वहीं ऐसे में उपभोक्ताओं को विद्युत सुविधा न मिलने से उनकी परेशानियां और भी बढ़ रही हैं। विराट 24 के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जी भाई, क्या नाम है आपका? गोविंद तिवारी। यह चक्की जाम लगा क्या भैया? महोबा रोड डिपो कॉलोनी में लगभग 3 महीना हो गए, लगातार लाइट की समस्या है। डिपो कॉलोनी के जो स्थायी निवासी हैं उनके द्वारा कम से कम 300 बार MPB जाकर के शिकायत दर्ज कराई गई। मुख्य अभियंता जो मिश्रा जी हैं उनको अपनी समस्या के बारे में बताया गया, जो सहायक अभियंता रवि सिंह जी उनको बताया गया। उनके द्वारा बराबर आश्वासन मिला कि हम ठीक कर देंगे। आज लगातार 2 से 3 महीने को होने को जा रहा है, समस्या सॉल्व नहीं हो रही। एक तार जो मेन 11 KV की जो मेन लाइन है वो पूरी लाइन कम से कम 200 कट है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर MPB के कानों में चू नहीं रौंद रही। लगातार उनसे बार बार बोलने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा। आज गुस्सा ही पूरे लोगों ने, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत समस्या है। लाइट जब 2 घंटे अगर नहीं रहती है तो कितनी समस्या होती है। यहाँ 24 घंटे लाइट नहीं रहती। यहाँ आज डिपो कॉलोनी के सभी लोगों ने, आज गुस्सा है लोगों ने सड़क पर खड़ा होकर अनसिक चक्का जाम करके अपना एक विरोध दर्ज कराया और ये कहा कि यदि आप हमारी समस्या को सॉल्व नहीं करते हो तो कल के दिन ये आंदोलन बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकता है और बहुत बड़ा रोड जाम हो सकता है। आज हालांकि छोटा सा आंशिक रूप से चक्का जाम करके एक मैसेज दिया है कि आप हमारी समस्या को सुनो। जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं MPB वाले, उनको जगाने का आज प्रयास किया है कि भाई आप उठ करके हमारी समस्या को समझो। शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं रोज TV पे, अगर बोलते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कोई कुछ नहीं है, निदान कुछ नहीं हुआ। MPB वाले कह रहे हैं मेरे पास कोई सामान ही नहीं है। अभी वो आए हैं कर्मचारी आए हैं, अब उनसे क्या बोलें, उनसे क्या झगड़ा करें। वो आए, उन्होंने औपचारिकता रूप से जो हर बार कर जाते हैं, उन्होंने तार जोड़कर उन्होंने लाइट चालू कर दी। 1 घंटा नहीं होगा लाइट फिर चली जाएगी। वो कह रहे मेरे पास मटेरियल ही नहीं है, हम क्या मटेरियल डाल दें। और MPB जाते हैं तो वो कहते हैं भैया हम 2 दिन बदल देंगे, हम 3 दिन बदल देंगे। आज लगातार 3 महीने हो गए समस्या को झेलते झेलते, कोई भी समस्या का निदान नहीं हुआ है।